रेडियो शो शुरू करें उससे पहले दो मिनट आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों के लिए मौन। आज का हमारा मुद्दा है सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा बदला कब, पाकिस्तान को कैसे देना होगा जवाब। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जी पार्थ सारथी जो कि पूर्व भारतीय राजनयिक हैं, एमएस बिट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, केसी त्यागी महासचिव जेडीयू, संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी, कर्नल वीएन थापर रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के अंदर अवाम और फौज, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या है, सबसे बड़ी ये बात है। नवजोत सिद्धू जी की बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, आज भी उनकी स्टेटमेंट है, अभी मैं किसी उनकी स्टेटमेंट का जवाब देके आया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। इन्होंने बोला पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, वो कहता बातचीत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान उनका दोस्त है और बाजवा उनका दोस्त है। एक तरफ जवानों की बॉडी घर में आ रही, अभी घर भी नहीं पहुंची, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे यतीम हो गए, उनके घर में मातम है, और हम पॉलिटिशियन कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जी क्या कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। पर ये जो घटना हुई, हमें इसको मुद्दा बनाना है, पाकिस्तान को बाद में बनाएंगे कि ये घटना हुई क्यों, कमियां क्या रही, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमियां रही, क्यों नहीं सोचा, क्यों ऐसे भेड़े बकरियों की तरह भेज दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान को तो देखा जाएगा, दो चार दिन में रिजल्ट मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दों से हम भटक जाते हैं, हमने जवानों को भेड़े बकरियां समझ रखा है, हमारी आपकी देश की हिफाजत करने वाले जवानों, उनकी जवानों की कोई कीमत नहीं, उनको कोई सुरक्षा नहीं, कि इसके ऊपर उनकी सुरक्षा कैसे होगी जो आगे कश्मीर में जाके राष्ट्र के लिए फिर पत्थर भी खाएंगे और गोली का जवाब गोली भी देंगे। वंदे मातरम। बिट्टा साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद निभाया है, झेला है, उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस के विषय में भी कहा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं इंतजार करूंगा, रिपोर्ट आ रही है, अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है और स्वाभाविक है आर्मी खुद इन विषयों पे चिंतन करेगी, और अगर कुछ उनको लगता है कि करेक्टिव मेजर आगे लेना है तो अवश्य आर्मी लेगी। इस पर हम जैसे राजनीतिक लोग, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ मानता हूं इसमें, कि हम लोग कमेंट करें मुझे उचित नहीं लगेगा। धन्यवाद संविधान जी। एक बात तो क्लियर मैं पहले कह चुका हूं, मेरा जो 4.5 साल का अनुभव और पहले का अनुभव रहा है पूरे राष्ट्र के अंदर, पहले भी बच्चों को बोला कि समाज को बोल रहा हूं, कोई हिंदुस्तान के वारदात नहीं हुई, हमारे जवानों को पूरी खुली छूट है गोली का जवाब गोली देना, और पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं जो मेरी सुरक्षा का अनुभव है, पटना में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला हुआ, मैंने पहले उनको लेटर लिखी, राजीव गांधी पे हमला हुआ, पहले कहा कि ये ऐसा हो सकता है, जो मेरा सुरक्षा का अनुभव है, मेरे ऊपर 3 बड़े ब्लास्ट हुए, अधिकारी गवाह है, पहले कहा कि सुबह ब्लास्ट होगा, मेरा एक अनुभव है, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरी बात को गलत ना लिया जाए, ये पाकिस्तान इसको तो देख लेंगे, 4 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक है, इसका जवाब दिया जाएगा, जी मुझे यकीन है। पात्रा जी प्लीज मुझे तो, मैं इनका जवाब, मेरी बात सुनिए, ये हमारे एजुकेशन सेंटर है, आपने जेएनयू का मुद्दा तो सुना होगा, घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इंशाअल्लाह कहा था, वहां कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आई थी पहले तो ये देखो, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां ने वहां जाके उनका हौसला बढ़ाया था। अभी परसों गुजरात के अंदर, अभी ये घनैया जो कहते हैं भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, उनको कैसे बुलाया जा रहा है, कैसे सम्मानित किया जा रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपको सोशल मीडिया में आजादी है, हम तो जवाब देंगे, ये जवाब देंगे, मैं जवाब दूं, कहते ये राजनीतिक है, आप उसका जवाब दो, आप स्टूडेंट हैं, ये लोग अगर इस तरीके से ऐसे नारे लगाएंगे तो राष्ट्र को कहां बचाएंगे, यही यूनिवर्सिटियों के फौज के जवान बनेंगे, यही यूनिवर्सिटियों से जजेस बनेंगे, यही यूनिवर्सिटियों से पत्रकार बनेंगे, आपका फर्ज बनता है, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके हाथ में ताकत है, पत्रकारों से भी बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया के जरिए इनको जवाब दो। मेरा नाम विवेक सिंह है सर, मेरे पिताजी फौजी हैं सर, कभी कभी ऐसे घटना देख के सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उदासी छा जाती है सर, मेरा यही है कि सर हम सब तो सो गए होंगे सर, वो कैसे सो जाए जिसके पिताजी शहीद हो गए, हर वो माँ फोन उठाने के लिए सर डर रही है कि कहीं कुछ गलत खबर ना आ जाए, जिसके बेटा
जम्मू कश्मीर में तैनात है। सर हमें सर कुछ नहीं चाहिए, सर हमें सिर्फ शहादत का बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। और जो जो यूनिटी के लिए सर आपने बोला है सर, मुझे सुन के सर आज बहुत ही अच्छा लगा। पर सर मैं कहता हूँ कि कब तक सर हमें जवाब मिलेगा उस चीज का जिसके लिए हम शहादत देते आ रहे हैं आज तक। ये एक्सप्लोजिव बॉम्ब एंटर हुए कैसे? दो ब्लास्ट जब हुए दिल्ली और अमृतसर में, कार बम ब्लास्ट, पूरी कार के अंदर बम एक महीने से तैयार करके जनपद होटल ठहराई गई और रेकी पूरी हुई मेरी, अमृतसर भी और यहाँ भी। सवाल यह है कि आज आप देखते होंगे पूरे देश में कहीं गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, उसमें एक कार बम लगा दिया जाए तो जाते जाते कुछ भी हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमारी हर चीज फोर्सेस के ऊपर छोड़ दो, हर चीज इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ दो, नहीं, हमारी पब्लिक की जिम्मेदारी क्या है? मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं वर्दी तो नहीं पहनी, पर सुरक्षा की हर चीज को समझ के पहले कह देता हूं ये चीज हो सकती है, कोई ना सुने। अब कई सरकारों को, पिछली सरकारों, अब की सरकारों को हजारों अपनी तरफ से जो सुझाव थे, कोई सुनने वाला नहीं है, हमें खुद जागना होगा। ये बिल्कुल आपको मैं सही बता दूं, पिछले 4.5 साल के अंदर आतंकवाद के जैसे उन्होंने सवाल किया, अपने पिताजी के ऊपर सवाल किया। एक बात याद रखिए, अभी होते हुए गोली का जवाब दिया था, गोली का जवाब देते रहेंगे, पर महबूबा मुफ्ती जैसे, फारूक अब्दुल्ला जैसे, केजरीवाल जैसे जब एक मंच पे इकट्ठे होंगे, याद रखना, तो फिर क्या होगा कश्मीर के अंदर जो कल हुआ है, ऐसे हजारों वाकया होते रहेंगे। हमारी मजबूती ये देखनी होगी कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूती क्या है, कमियां हो सकती हैं, पर प्रथम राष्ट्र ना पार्टी, प्रथम राष्ट्र, प्रथम बॉर्डर की सीमाओं की सुरक्षा, वो हमें आपको फैसला करना होगा।